तो और मेरे भाई और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा 07 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड में जो ये प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, ये ई चैन की जो है लोकेशन मांग रहा होता है। और ई चैन, मुझे नहीं पता उसने लोकेशन बताई कि नहीं बताई। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनी जो है तैयार वगैरह हो रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है सनी जो है बिल्कुल सज धज रही होती है और लिपस्टिक वगैरह कर रही होती है। इतने हम देखते हैं ई चैन आता है और वो कहने लगता है, अरे तुम आज इतनी सडनली आज तुम ड्रेसअप क्यों हो रही हो, मतलब क्यों सज संवर रही हो। अब वो ऐसा पूछ रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की होती है, ये बोलने लगती है कि मैं ना तुम्हें शॉपिंग मॉल लेके जाना चाहती हूँ। वैसे भी जरा अपनी ड्रेस देखो, कितने सालों से एक ही ड्रेस पहन रहे हो, ठीक है। और वैसे मेरे को ना तुम्हें फ़ोन भी दिलाना है ताकि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर सकूँ। अब जो ये ईचैन होता है ना, ये इरीटेट हो रहा होता है और कहने लगता है कि देखो मेरे को ना फ़ोन से इरीटेशन है, अभी ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की इसे पकड़ लेती है और कहने लगती है, अरे तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, मैं तुम्हें अपने पैसों से शॉपिंग कराऊंगी, ठीक है, तो चलो मेरे साथ। अब वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के मतलब ले जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था ये दोनों जो है शॉपिंग मॉल के पास आ चुके होते हैं। अब हमें दिखाया था जो ईचैन होता है ना, वो ड्रेसअप भी हो चुका होता है, मतलब इसने ड्रेस परचेज कर रखी होती है और बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि हैंडसम लग रहा होता है। फिलहाल जो ये लड़की है ना, इससे मजाक करती हुई कह रही होती है, ओ वाह तुम तो बहुत अच्छे हैंड मतलब बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे हैंडसम लग रहे हो तुम, अब ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल वो कहने लगती है कि अगर तुम ना कॉलेज स्टूडेंट के पास जाओगे या फिर कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के आसपास जाओगे, तो वहाँ पे ना हो सकता है कोई ना कोई लड़की पट जाए। अब ये बोल रहा होता है कि मेरे को नहीं पटवानी, तुम्हें क्या लगता है मेरे चेहरे ऐसा है, मतलब मेरा जो फेस है वो ऐसा है। अब ये लड़की ना इसे कहने लगती है कि देखो ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर है तो कब इंट्रोड्यूस करा रहे हो, वैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो कि सिंगल है, तो बताओ क्या मैं बात करूँ। अब वो ऐसी बात कर रही होती है। ईचन कह रहा था कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अखंड सिंगल हूँ मैं। बट हम देखते हैं वो जो लड़की है ना, ये कहने लगती है कि अच्छा वैसे तुम्हें कभी प्यार हुआ है, वैसे दिखने में तो तुम स्टिल इनोसेंट वर्जन दिखाई दे रहे हो। अभी ऐसा बात कर रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया था ईचन जो है सोच रहा होता है कि प्यार, पिछले 5 साल से तो मैं बस कल्टीवेशन ही कर रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता आखिर प्यार कहते किसे हैं, और मेरे को मैंने तो अपना बचपना भी नहीं जिया। अभी ऐसी बात कर रहा था, कह रहा था कि मेरा चाइल्डहुड ऐसे ही चला गया। फिलहाल हमें दिखाया था, ये कहने लगता है कि वैसे अगर मैं पहले जाऊँ जब मेरी फैमिली जिंदा थी, या फिर मेरी फैमिली थी तब वहाँ पर ना उस टाइम पर ना मैं एक लड़की को पसंद करता था, या फिर ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे इसका कोई क्रश था। अभी कहने लगता है कि स्कूल टाइम की बात है, वो जो लड़की थी ना वो हर किसी की मतलब सीक्रेट लव हुआ करती थी, बट एट द एंड मैंने ना जैसे तैसे करके एक लेटर लिखा, लव लेटर लिखा, और सरप्राइजली वो जो लेटर है उसका रिस्पॉन्स भी आया। बट हम देखते हैं उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो पूरी पब्लिक के सामने हो रहा होता है अनाउंसमेंट जो होता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो है अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा था कि चू सुरेन मैं ई चैन तुम्हें पसंद करता हूँ। अब वो ऐसा बात कर रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था, ये बोलने लगता है कि सबके सब ने मेरे को बहुत मजाक उड़ाया, और जो लड़की होती है ई सूर्यन उसने रिजेक्ट भी कर दिया मेरे को। अब हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि ये सब ना बस एक ट्रैप था मेरे को फंसाने का और कुछ भी नहीं, उसके बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया और सब ने मुझे बहुत मारा पीटा वगैरह वगैरह, और कहने लगता है कि मैं बहुत लूज़र बन गया उस टाइम के बाद से। और हम देखते हैं वो जो लड़की है ना इसे बोल भी रही होती है कि तो लूज़र है वगैरह वगैरह, और ये बेचारा बैठ के रो रहा होता है। अब हमें दिखाया था ये बोलने लगता है कि लेकिन उसके बाद मैं लूज़र बन तो गया, लेकिन अब मैं स्ट्रॉन्गर हूँ बहुत ज़्यादा, और अब उसकी जो फैमिली है ना वो 4 मेजर फैमिली में से एक फैमिली मान बन चुकी है चैंगहैंग के अंदर। और अब हमें दिखाया था वो, मुझे लगता है कि अब ना मेरे को मेरा जो वर्ड है वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं उससे पसंद करता हूँ। बट हम देखते हैं जो लड़की होती है, मुझे लगता है कि चैन क्या हुआ तुम्हें, वैसे मैं ना कभी भी अभी तक लव में नहीं आई, और देखो मेरे को मैं अभी भी कितनी खुश हूँ और जिंदा हूँ। अभी ऐसी बात कर रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया था ईचैन कहने लगता है कि अरे तू क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही है, चल तू तो कपड़े दिलाने के लिए लेके आई थी ना मेरे को यहाँ पे, तो भूल गई क्या कपड़े दिलाने हैं मेरे को, चल चल। अब हमें दिखाया था ये बोलने लगती कि हाँ चलो, लेकिन ना मैं आई तो कपड़े दिलाने के लिए थी, पर यहाँ पे जो कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो मेरे को मैं इतना अफोर्ड कर नहीं सकती, एक आध ड्रेस ही अफोर्ड कर सकती हूँ। अभी ऐसा बात कर रही होती है। फिलहाल हमें एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो कि वो इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। अभी लड़की कहने लगती है कि ओ यू हो देखो के सनी नहीं लग रही, अभी लड़की जो है सनी को जानती होती है। फिलहाल ये कहने लगती है कि ओ वाओ देखो पिछले साल से ना ये अभी तक सिंगल थी, और अब देखो ये बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, क्या बात है बड़ी जल्दी बंदा बना लिया तूने। अभी ऐसी बात कर रही होती है। अब हमें दिखाया था जो ईचैन होता है ना वो उसे समझ जाता है और कहने लगता है कि ये तो उस लड़की की फ्रेंड है। बट हम देखते हैं जो लड़की है ना ये कह रही होती है सनी तुमने अपनी चॉइस जो है अभी तक बदली नहीं, सच में तुम ना एक नंबर की क्या बोलूँ मैं पुअर लड़की हो। अभी ऐसी बात कर रही होती है और वो कहने लगता है कि देखो जरा इस बंदे को, ये ना मेरे स्कूल में एक ईचैन नाम का बंदा हुआ करता था उसके जैसा लग रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वैसे ही लग रहा है बिल्कुल गरीब सा फटीचर, इस टाइप का ये बात जो लड़की है ना बोल रही होती है ईचैन की तरफ देख के। बट हम देखते हैं जो वो जो लड़की है ना ईचैन की तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और कहने लगती है कि एक मिनट यार ये बंदा मेरे को जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, वैसे ये कहीं ईचैन तो नहीं ई फैमिली का जो लूज़र था। अब ये ऐसी बात कर रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि अच्छा ऐसा लग तो रहा है कि ये वही लूज़र हो।
अब ये लड़की ऐसा सोचती होती है कि इतने हम देखते हैं, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है ना, वो बोलने लगता है कि ई फैमिली का लूजर कौन है, आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, बताओ जरा मुझे। अब ये बहुत इंटरेस्ट से ऐसा बात कर रहा है जैसे इसकी पूरी फैमिली है। फिलहाल हमें दिखाया था वो जो लड़की है ना, ये बात करने लगती है कि हाँ मेरे स्कूल टाइम पे ना एक बंदा था जो कि मेरी फ्रेंड के पीछे ना पागल था। अब ये ना ईचैन की तरफ देख के ना ताने मारती हुई बोली होती है और बोलने लगती है कि वो उस लड़की ने ना, मतलब मेरी फ्रेंड ने उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया, आखिर उस बंदे ने सबके सामने उसे कन्फ्रेस किया था। अब ये बोलने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, उसे ना सबने बहुत बुरा मारा, उसके बाद से तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई स्कूल में आने की। अब ये ऐसे हंस रही होती है और मजाक बना रही होती है ईचैन का। फिलहाल हमें दिखाया था ईचैन बहुत गुस्से में हो जाता है और जो बंदा है ना ये भी कह रहा था कि अरे बहुत बुरा हुआ इस बेचारे के साथ। तो अब ये कहने लगता है कि हाँ बस तुम परेशान मत करो, ठीक है। अब हम देखते हैं ईचैन बहुत गुस्से में आता है और कहने लगता है कि बहुत शोर मचा रहे हैं ये, मैं आज तुझे तुम लोगों को ना मतलब हमेशा के लिए चुप कर दूंगा या करा दूंगा। अब ये ऐसी बोल रहा होता है ईचैन और बहुत गुस्से में होता है। बट हम देखते हैं जो सनी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि यार देखो तुम छोड़ो, वो वैसे भी अब शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए हैं, तुम उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, चलो हम भी शॉपिंग कर लेते हैं और वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सनी है ना वो ऐसा बोल रही होती है ईचैन को। अब ईचैन भी कह रहा था कि चलो ठीक है। अब हमें दिखाया था ये लड़की बोलने लगती है कि वैसे तुम दोनों आज शॉपिंग करने आए हो, मुझे लगता तो नहीं तुम दोनों कुछ शॉपिंग कर पाओगे क्योंकि तुम दोनों इतने फटीचर जो। अभी ऐसे बोल रही होती है और हंसे जा रही होती है जो लड़की होती है। फिलहाल ये कहने लगती है कि जून देखो आज ना मेरे को ना बहुत सारी ड्रेस परचेज करनी है, तो आज रात को तुम्हें जो करना है तुम वो कर लेना, या फिर अगर हो सके तो तुम अपने फ्रेंड को भी ले आना, ठीक है, मैं तुम्हें जो तुम करना चाहो वो करने दूंगी। अभी जो ये लड़का होता है, आदमी होता है, ये बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें दिला देता हूँ। अब भाई मतलब एक ड्रेस के लिए इसने क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हमें दिखाया था जो ईचैन होता है वो कहने लगता है कि चलो छोड़ो मैं इन दोनों को ना आराम से देखूंगा बाद में, ईचैन ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल सनी कहने लगती है कि अरे यार तुम छोड़ो ना, कल ही तो तुम पुलिस स्टेशन से आए हो चैन फैमिली के चक्कर में। अभी बातें करते करते जाहिर होते हैं कि इतने इन्हें ना एक ड्रेस दिखाई देती है। वो कहने लगती है कि वाह ये ड्रेस देखो जरा कितनी ब्यूटीफुल है। अब वो एक लेडीज आती है और कहने लगती है कि हाँ मिस ये हमारी ये जो ड्रेस है ना ये हमारी स्टोर की वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस है और इसका प्राइस ज़्यादा कुछ नहीं बस 360,000 है। अब भाई सब इस ड्रेस का प्राइस सुन के ना सनी बेचारी कांप जाती है और कहने लगती है क्या वैसे इसे पास से जरा देखूं, एक मिनट ये अच्छी नहीं लग रही मेरे को, मतलब मैच नहीं कर रही, चलो छोड़ो कोई नहीं दूसरी ड्रेस देखते हैं। अभी अपने मन में सोच रही होती है कि यार मेरे कार्ड में तो मात्र 3,00,000 ही पड़े हैं, 60,000 मैं कहाँ से लाऊं। अभी ऐसी बात कर रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया था वो जो लड़की है ना फिर से आ चुकी होती है। अब वो हंसने लगती है कि हा 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 सच में सनी तुम तो साफ साफ बोल दो ना तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ये क्या नौटंकी दिखा रही हो कि ड्रेस मैच नहीं हो रही नहीं हो रही। अभी ऐसे बोल के ना हंस रही होती है और कहने लगती है क्या तुम मजाक करी हो इतनी प्यारी ड्रेस को तुम ऐसा बोल रही हो। बट हम देखते हैं सनी कहने लगती है कि देखो तुम ना अपने काम से काम मतलब रखो और तुम फिर आ गई यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वैसे भी देखो मेरी मर्जी, ठीक है मैं कैसे भी ड्रेस पहनूं, और वैसे भी इसका जो ये ड्रेस है ना इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अब सनी अपनी बात को कवर करते हुए ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हमें दिखाता है जो लड़की है ना ये बोलने लगती है कि अरे तुम बोलो, और वैसे भी अगर तुम्हारे पास पैसे होते ना तो तुम अपनी भाई को ना स्कूल तक मतलब उसका हाई स्कूल कंप्लीट कराते और वो तो बीमार में मर गया, वैसे भी कितने लूजर की बात है, हा हा हा। अभी ऐसी बोल के ना हंसे जा रही होती है और जो सनी होती है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी कहने लगती है कि अच्छा बच्चे तुझे गुस्सा आ रहा है, वैसे क्या तुझे मुझे मारेगी मारेगी है मार कि जानती है मेरी जो फ्रेंड है ना वो चूसू येन है, ठीक है भूल मत, ठीक है, और वैसे भी जा हाथ ऊपर कर और मार मेरे को, मार हिम्मत है तो, आखिर तेरी हिम्मत ही नहीं है। अभी ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हमें दिखाता है ईचैन जो है साइड में आता है और वो एक अपना हाथ दिखाता है और एक थप्पड़ देके मारता है। अब जो ये लड़की होती है ना इसकी हालत पतली हो जाती है और ये नीचे जाके गिरती है। फिलहाल हमें दिखाया था ईचैन कह रहा था कि अब मैं ना तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और इसका गुस्सा देख के ना भाई जो ये इसका जो बॉयफ्रेंड होता है और जो सनी होती है ये दोनों कांपने लगते हैं। फिलहाल हमें दिखाया था ये जो इसका बॉयफ्रेंड है बेचारा ऐसे खड़े खड़े देख रहा है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो तो नीचे गिरी पड़ी है। फिलहाल ये दोनों हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये क्या कर दिया, और इसके बॉयफ्रेंड की तो छुट्टी हो जाती है। अब जो ये लड़की ने बोल लगती है आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को हाथ लगाने की, क्या तू जानता भी है चूसू रैन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और तू जानता भी है मेरे बॉयफ्रेंड कौन है, हैं तुझे पता भी मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, कितना कमाता है क्या करता है। अभी ऐसी बोल रही होती है जैसे इसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ी तोप हो, मतलब उस टाइप का अभी ऐसा बोल रही होती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है कि देखो ये मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई भी हो कैसा भी हो। अभी बंदा आता है कह रहा होता है कि देख मैं ना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ बीमिंग ग्रुप का, पूरे साल के 5,000,000 कमाता हूँ। अभी ऐसा बोल रहा होता भारी आवाज़ में, बट हमें दिखाया जाता है ये इतनी देर तक बोल रहा होता है और कहने लगता है कि देख मैं ना हाई क्वालिटी का बंदा हूँ, तेरे जैसे गरीब के तो हाथ में भी नहीं आऊँगा, तो मेरे को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अभी ऐसा बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक बंदा आता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। अब इसकी आवाज़ तो और भी ज़्यादा भारी होती है फिलहाल, जो कि मैं नहीं बोल सकता, मेरी आवाज़ इतनी भारी है नहीं। फिलहाल ये बंदा कहने लगता है कि मैं चैन हुआ देखता हूँ तुम लोगों को, अभी ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था ये चैन जो है इन दोनों को देख रहा होता है और ये दोनों नीचे पड़े होते हैं। अब हमें दिखाया था ये बोलने लगता है कि मैं भी तो देखूँ जरा किसकी हिम्मत हुई मेरे ग्रुप का नाम लेके
डॉक्टर ये को परेशान करने की। अभी ऐसा बोल रहा होता है, फिलहाल ये बंदा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ पर, मैंने सोचा था कि प्रेसिडेंट बीमार है और ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब इस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। अब सनी सोचने लगती है कि अरे अगर इस बंदे की साइड गया तो हमारे लिए जो सिचुएशन है बहुत भारी हो जाएगी, क्या करूँ मैं। अभी ये सोच रही होती है कि मेरे पास बैकअप प्लान भी नहीं है। बट हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि अंकल सैन मेरे पापा ने ना हमेशा आपकी तारीफ करी है तो मैं आपकी ना प्रशंसा करती हूँ। अभी बंदा भी कहने लगता है कि हाँ अंकल सैन आप यहाँ पर कैसे, क्या आप प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए हो। अब वो ऐसा बात कर रहा होता है और हंस हंस के बात कर रहा होता है। बट हम देखते हैं जो अंकल होता है ना वो इनका सुनता ही नहीं है, जो सैन होता है वो सैन आगे की साइड चला जाता है ईचैन के पास। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे अंकल सैन क्या हुआ। बट हम देखते हैं वो जो अंकल सैन होते हैं वो ईचैन की तरफ आता है और कहने लगता है कि मिस्टर ई आपने ना आपकी वजह से मेरी लाइफ वापस आ गई तो मैं आपको ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को नहीं बचाते ना तो मैं आज मर चुका होता। अभी ऐसे बोल रहे होते हैं। फिलहाल इसे पता चल चुका है कि ईचैन कौन है और डॉक्टर यही है। अब हमें दिखाया था ये जो लड़की होता है ये बोलने लगता है कि अरे मैंने सोचा कि एक मिनट मुझे लगता है ना कि आपको गलतफहमी होगी वगैरह वगैरह ये बात करी होती है। अब जो ये बंदा होता है ये भी कहने लगता है कि इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं हमसे तो गलती नहीं होगी, एक मिनट। बट हम देखते हैं वो जो सनी होती है ये भी सोच रही होती है कि अरे भाई क्या हुआ, अभी तो इस बंदे को आए हुए एक आध दिन ही हुए हैं और इसने इतने बड़े बड़े आदमी से मिलना जुलना बना लिया। अब सनी ऐसा सोच रही होती है। अब ईचैन जो है कहने लगता है कि देखो मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है लेकिन तुम्हारी जो फैमिली है ना मुझे नहीं लगता तुम्हारी फैमिली उस अपॉर्चुनिटी को सही फ़ायदा उठाना चाहती है। अभी बंदा कहने लगता है कि आई एम सॉरी मिस्टर ई, देखो मुझे पता है वैसे मैंने अपने बच्चे को ना जो सबक सिखाना था वो सिखा दिया और मैं आपको ना उसके प्रति हर्जाना भर दूंगा। अब ये ऐसा बोलने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया था ये बोलने लगता है कि ओ कुत्ते के बच्चे जल्दी आ घुटना टेक इसके सामने, मिस्टर ई के सामने मतलब। अब वो ऐसा अपने लड़के के सामने ऐसे बोल रहा होता है, अपने लड़के को बोल रहा होता है मतलब। अब हमें दिखाया था उसका जो लड़का होता है वो घुटने पर आ चुका होता है और बोलने लगता है कि मिस्टर ई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन के लिए, प्लीज़ मेरे को क्षमा कर दो। अभी ऐसे बोल रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था जो उस बंदे के साथ आया होता है सैन के साथ, वो कहने लगता है कि अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैन का लड़का ऐसे बोलेगा, वैसे मैं इसका कैरेक्टर जानता हूँ लेकिन आज ये मतलब सच में घुटने पर है, कैसे इम्पॉसिबल। अभी ऐसे ही बोल रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाया था जो सनी नाम की लड़की होती है वो बोलने लगती है कि अरे आखिर ये बंदा आया कहाँ से है भाई, अभी तो आया है कुछ दिनों पहले और इतने बड़े बड़े लोगों को जानता है, कैसे असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी ऐसी बात करी होती है। फिलहाल हमें दिखाया था जो ईचैन होता है ना वो कहने लगता है कि सनी चलो। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें ना आज शॉपिंग कराता हूँ, ठीक है, वहाँ पे सामने लड़की की जो ड्रेस है वो सारी दिलाता हूँ, चलो चल रहे हैं। अब वो जो बंदा होता है सैन उसे मतलब इग्नोर करके जाने लगता है। अब वो बंदा कहने लगता है कि अरे मिस्टर ई, बट हम देखते हैं वो जो दूसरे साथ में जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि क्या इसने सच में सैन को इग्नोर कर दिया, आखिर कैसे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी बंदे ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि सैन नाम के बंदे को इग्नोर कर दिया। अब हम देखते हैं जो उसका जो सैन होता है ना वो अपने बच्चे को मार रहा होता है और कहने लगता है कि देखो तूने आज क्या किया है, देख देख कुत्ते तूने क्या किया है, अगर आज मिस्टर ई नहीं माना ना तो मैं तेरी लाइफ में ना पूरी ज़िंदगी भर तू घुटने पर टिका रहेगा। अभी ऐसे ही बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ईचैन से लड़ रहा होता है वो बंदा कहने लगता है कि अंकल सैन मुझे लगता है ना कि आपको गलतफहमी हुई है। अब अंकल सैन कह रहे होते हैं गलतफहमी मेरे को, तुझे लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ईचैन को ऑफेंड करने की और मेरा ग्रुप का नाम लेके तू ऑफेंड कर रहा है। बेटा तू और तेरा बाप घर से बाहर निकल यहाँ से, अब तू मेरे ग्रुप में काम नहीं करेगा, ठीक है, और अगर मेरी लाइफ अगर वो नहीं बचाता ना तो अभी तक मैं जिंदा नहीं होता। अभी ऐसा जो अंकल होते हैं वो सोच रहे होते हैं। अब हमें दिखाया था वो कहने लगता है कि मिस्टर ई रुको जरा मेरे लिए। अब हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि सैन जुन अब तुम क्या करोगे, ऐसा लगता है जैसे हमने ना बहुत बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया। अब वो ऐसी बात करी होती है। अभी बंदा कहने लगता है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, अब सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, शिट मैं क्या करूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो ईचैन होता है और सनी जो कि शॉपिंग करके मतलब बाहर आ रहे होते हैं, अब वो बोलने लगती है तुम तो यार रेंट भी पे नहीं कर सकते और तुमने मेरे लिए कपड़े खरीद लिए, वाओ क्या अच्छी बात है, वैसे ना मेरे को अच्छा लगा जो तुमने मेरे लिए कपड़े खरीदे। अभी ऐसा ना मतलब अपने बैग की तरफ देख के बोल रही होती है और कहने लगती है कि ना मेरे को आज बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे गई और तुमने मेरे को कपड़े वगैरह खरीदवाए। अब हमें दिखाया जाता है कि जो ईचैन होता है ना वो सोचने लगता है कि ये लड़की सच में पागल है, आखिर ये अभी भी सोच रही है कि मैं अभी भी गरीब हूँ पहले जैसा, और इसने जो इसे लग रहा है कि जो मेरे पास डिस्काउंट है ना वो उसकी वजह से मैंने जो महंगे महंगे कपड़े हैं वो सस्ते हो गए, लेकिन इसे नहीं पता मेरे हाथ में अभी भी मिलियन पड़े हुए हैं। अभी ऐसा बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जैसे वो जा रहा होता है ना और कहने लगता है कि यार ये लड़की सच में काफ़ी अच्छी है। बट हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है मिस्टर ई। अब हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि आखिर इसे बुला कौन रहा है, बट वही बुला रहा होता है मिस्टर सैन। अब सैन अंकल आते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये यंग लेडी और मिस्टर ई प्लीज़ आप दोनों ना रुक जाओ। अब वो ऐसा बोल के उन्हें रोक रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि तुम दोनों ना काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो मैं तुम लोगों के लिए ना कुछ तोहफे वगैरह लेके आया हूँ। अब वो ऐसे बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं ईचैन कह रहा होता है कि तुम्हें मुझसे काम क्या है ये बताओ पहले। अब ईचैन बिल्कुल सीरियसली बोल रहा होता है और गुस्से में बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं वो
अंकल जो है वो बोलने लगता है कि देखो मुझे लगता है ना तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी तरफ नहीं उस यंग लेडी की तरफ बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। अब वो ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है, वो बोलने लगता है कि हमारे स्टाफ ने ना तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी करी और तुम्हारा इंसल्ट किया, तो उसके चक्कर में ना मैं तुम्हें कंपनसेशन देना चाहता हूँ और ये रहा थोड़ा गिफ्ट, ठीक है तो ये ले लो। अब वो लड़की कहने लगती है कि मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। अब सनी ऐसा बोल रही होती, कह रही होती कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है तो मैं इसे नहीं ले सकती, और देखो ज़रा इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मैं इसे परचेज़ नहीं कर सकती ना ले सकती। अब वो ऐसी बात कर रही होती है। अब हमें दिखाया था सनी सोच रहा होता है कि ये सैन ही हुआ कितना चालाक है यार, ये मेरे को नहीं पटा सकता तो सनी को पटा रहा है, वाओ इंटरेस्टिंग। अभी ऐसा बोलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है, वो बोलने लगता है कि सैन हुआ, वो कहने लगता है कि हाँ मिस्टरी बोलो बोलो मेरे को बोलो। अभी चैन थोड़ा सीरियस होकर बोलने लगता है कि देखो मैं ना तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, ठीक है मैं कल तुम्हारे घर पे आऊँगा 9 बजे और मैं तुम्हें हील कर दूंगा, और तुम चिंता मत करो ठीक है, मैं तुम्हें हील कर दूंगा, और वैसे भी याद रखना मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ मतलब मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ले भी सकता हूँ। अभी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा रूडली बात कर रहा था, इसका ये बात करना मुझे थोड़ा रूड लगा। ये बंदा कहने लगता है कि हाँ थैंक यू मिस्टर, थैंक यू सो मच, अभी ऐसा बोल रहा होता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जब भी कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी ना मैं आपको सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, अभी ऐसा बोल रहा होता है सब कुछ, मतलब तुम लोग समझ सकते हो। और इसी के साथ जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार अगर आप लोग नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ना आप जल्दी फटाफट, और हाँ यार लाइक भी कर दे करो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।